आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे। जैसा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेद से जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, उनकी क्लास रेगुलर चल रही है, तो उसी के क्रम में आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि दो क्लास चला है जिसमें सब्जेक्ट सिलेबस रस की चर्चा हो चुकी है, उसी के क्रम में आज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक नया टर्म जो रस शास्त्र का ही है वो आज बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, लास्ट तक वीडियो नहीं देख पा रहे, या आप उसके जो भी चीजें बताई जा रहे हैं उस पर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो ये गलत चीज है। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप उस पर नोट्स तैयार कीजिए, ताकि अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हो, मतलब कि क्लासेस तो चल नहीं रही थी तो आपने क्लास नहीं किया था, तो आप इस समय क्लास अटेंड करके आप नोट्स तैयार कर लें। तो आप अगर नोट्स तैयार करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नोट्स बनाना आपका काम है, मैं नोट्स बना के नहीं दे सकता। तो आप नोट्स तैयार कीजिए, और जो भी आपको यहाँ से एजुकेशन मिल रही है, जो भी टर्म, जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है, उसको आप रिविजन करने की आदत डालिए, क्योंकि जब रिविजन करने की आदत होगी तो आपको चीजें भूलेंगी नहीं, हमेशा याद रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है या मेरी वीडियो नहीं देख पा रहा है, तो आप उसके तक शेयर करके वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और उसको बोलिए कि आप इस पे नोट्स तैयार करो, क्योंकि इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको फिर से कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप इसको सीरियसली लीजिए, ताकि आपको काम में आए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे में पड़े हुए हैं। आप खुद कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हो, अलग अलग वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर हम डी फार्मा आयुर्वेद से करके बेकार हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेद से कर रहे हैं वो बेकार हों, क्योंकि उन्होंने रेगुलर क्लासेस नहीं की हैं और ना ही लेक्चर अटेंड किए हैं, ना ही इंटर्नशिप की है। तो बढ़िया से जब आप क्लास नहीं करोगे और इंटर्नशिप बढ़िया से नहीं करोगे दवाइयों के बारे में, या जो भी टर्म और जो भी टॉपिक्स हैं अगर आप उसको अच्छे से नहीं जानोगे, तो कैसे आप इंटरव्यू फेस करोगे, या कैसे जो भी चीजें हैं उसको आप फेस करोगे। तो इसलिए आप रेगुलर क्लास कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। तो मैं बोल चुका हूं कि आपकी क्लासेस रेगुलर लूंगा, और जो भी चीजें हो सकता है, मेरे पास एक दिन दो दिन वीडियो लेट हो जाती है, कोई कंडीशन है नहीं दे पाता, तो आप वीडियो वेट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाद से जब नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो आपको जो ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके नोटिफिकेशन बार पे दिखाएगा कि मैंने वीडियो डाली है। तो आपको चैनल पे जाना है और वीडियो देखना है, और जानकारी जो भी है आप कलेक्ट कीजिए, उसको नोट्स तैयार कीजिए। तो चलिए, मैं जैसा कि रस शास्त्र पढ़ा रहा था, तो आज भी रस शास्त्र का ही क्लास चलेगा, रस शास्त्र और भैषज कल्पना, रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। पिछली क्लास में भी मैंने बोला था कि रस शास्त्र और भैषज कल्पना पहला सब्जेक्ट है, रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद दूसरा सब्जेक्ट है, और तीसरा सब्जेक्ट है रोग परिचय एवं चिकित्सा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी सब्जेक्ट बताया था, बार बार सब्जेक्ट बता रहा हूं कि जो लोग नहीं चाहते हैं क्लास अटेंड करना, जबरदस्ती वीडियो देख रहे हैं, तब भी उनको कम से कम सब्जेक्ट तो याद हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, तो इसलिए आप अगर हमसे जुड़े हो तो बेनिफिट अगर लेना है तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो इसलिए सारी चीजें मैं बताते रहता हूं। तो आज भी रस शास्त्र की क्लास है, और टॉपिक आपका मैं बता देता हूं, टॉपिक है आपका कजली। कजली मतलब कि कजली निर्माण कैसे करेंगे, कजली है क्या, कजली के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कजली को कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि इसके पहले आपने रस पढ़ा था, रस में अलग अलग चीजें थी, रस किसे कहते हैं, रस का शरीर पे क्या दुष्परिणाम है, रस के क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से रस होते हैं, रस और जो पंच महाभूत हैं उनका मिश्रण, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दिया है। उसी के क्रम में कजली निर्माण बताऊंगा, कजली के क्या गुण हैं, क्यों कजली दवाइयों में मिलाई जाती है आयुर्वेदिक दवाइयों में, और इसके क्या बेनिफिट है, सारी चीजें बताऊंगा। तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, और जो भी चीजें बताई जाती हैं आप उसको नोट्स कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास करें तो वीडियो जब भी आप मन करे तो आप खोल के देखो, पास कर लें, देख लें, आपको ज्ञान मिल जाए, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर एक नोट्स तैयार करना पड़ेगा, और इसको आप नोट्स बना करके लिखेंगे तभी बेनिफिट्स होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट्स होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कजली है क्या। कजली जो है पारद और पारे को गंधक के साथ
पारद और पारे को गंधक के साथ या उसके पहले सुवर्णादि धातुओं का सूक्ष्म चूर्ण या उसको मिलाकर बाद में गंधक के साथ अगर आप खरल में पीसते हो, और जब तब तक पीसेंगे जब तक गंधक का चूर्ण है पूरी तरह से गायब न हो जाए और पूरा जो मिश्रण है पूरी गहरे काले रंग का हो जाए, तो उसी को जो प्राप्त जो गहरा काला जो पदार्थ है वही कजली कहलाता है, वही कजली कहलाता है। तो एक बार और सुन लीजिए, पारद जिसको हम पारा कहते हैं उसको गंधक के साथ या उससे पहले जो सुवर्णादि धातु है उसके साथ अगर खरल में अच्छी तरह कूटते हैं और उसको तब तक कूटेंगे जब गंधक का चूर्ण उसमें पूरी तरह से विलुप्त हो जाए और पूरा गहरा काला पदार्थ प्राप्त हो, तो जो गहरा काला पदार्थ प्राप्त होता है उसी को हम कजली कहते हैं। अगर साइंटिफिक भाषा में उसको बोले तो सल्फ्यूरेट ऑफ मरकरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? सल्फ्यूरेट ऑफ मरकरी, मरकरी। तो सल्फ्यूरेट ऑफ मरकरी बोला जाता है, मतलब कि कजली। अब जान लेते हैं कजली है क्या, कि जैसे मैंने कजली का परिभाषा दिया आपको, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, उनको आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आने वाली हैं, तो उसको मैं इसलिए आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कजली अगर समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आप जो विदेशी दवाइयां हैं जिसको विलायती दवा या एलोपैथिक दवा कहते हैं, उसमें आप देखते हो कि बहुत सारी दवाइयां ऐसे हैं जो अलग अलग कलर के आते हैं, उसमें अलग अलग तरह के मेडिकल अलग अलग तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे दवा का जो असर है ज्यादा होता है, कम होता है, साइड इफेक्ट कम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको भी मैं क्लास लूंगा तो उसमें बता दूंगा। तो अलग अलग तरह के दवाइयों का रंग अलग अलग तरह का हो जाता है, मतलब कि उसमें अलग अलग तरह के केमिकल मिलाया जाता है। उसी तरह से आयुर्वेद में जो भी आप टैबलेट खरीदते हो, आप देखिएगा उसमें टैबलेट जब आप खरीदेंगे तो दवाइयों का जो जो बटी है, जो टैबलेट है या जो भी बटी है जो आप खरीद रहे हो मार्केट से, आयुर्वेदिक जो दवाइयां खरीद रहे हो उसकी जो बटी आप देखोगे तो अलग अलग कलर का, आप अलग अलग रंग का दिखाई देगा। तो जो गहरे काले रंग का जो टैबलेट है, जो बटी दिख रही है आपको, तो उसमें कजली मिलाई जाती है। तो कजली का प्रयोग करने से क्या होता है, कजली एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया हुआ एक पदार्थ है, काले रंग का पदार्थ है, जो आयुर्वेदिक औषधि की जो क्षमता है असर करने की, बीमारियों को मारने की, बीमारियों को खत्म करने की, उस क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और इसका एक और काम है, जैसे हृदय पे जो दवाइयां बहुत ज्यादा असर करती हैं, हृदय रोग में पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, उन दवाइयों को अगर, उन औषधियों को अगर हम बनाते समय कजली का मिलन उसमें कर दें, कजली मिला दें और उससे बटी तैयार कर ले और पेशेंट को दे, तो जो हार्ट डिजीज वाले जो पेशेंट है उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कजली जो हृदय विदारक जो रोग है, हृदय को बढ़ाने वाले, हृदय रोग को बढ़ाने वाले जो रोग है उनकी क्षमता को कम कर देता है, जिससे ये कजली मिली हुई बटी आप पेशेंट को दे सकते हो। कजली के कुछ और इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो भी मैं बता दूं, जैसा कि कभी कभी आपको लगता है कि नहीं एलोपैथ की जो दवा है बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि अगर हमें सिर दर्द होने लगा या बुखार होने लगा तो जब तक पैरासीटामॉल नहीं खाएंगे या जो दर्द की जो पेन किलर जो दवाएं हैं नहीं खाएंगे तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि पैरासीटामॉल से या पेन किलर से जल्दी असर करती हैं। उसी के क्रम में मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, सिरसुलादि वज्र रस है एक दवा जो है आयुर्वेद की, जिसको सिरसुलादि वज्र रस कहते हैं। सिरसुलादि वज्र रस आपको किसी भी बड़े आयुर्वेदिक मेडिसिन के शॉप पे आपको मिल जाएगा, किसी भी आयुर्वेदिक दवा केंद्र पे आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसको सिरसुलादि वज्र रस कहते हैं। तो ये अचूक दवा है सिर दर्द की, अगर ये पेशेंट को आप देते हो तो पैरासीटामॉल की आदत छोड़ दीजिए, कॉम्बिफ्लाम की आदत छोड़ दीजिए, सिक्लो पैरासीटामॉल जो है उसकी आदत छोड़ दीजिए, आप सिरसुलादि वज्र रस जो ही पेशेंट को आप दोगे तो मिनटों में सिर दर्द गायब हो जाएगा, ये पूरी गारंटी है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयां, मैं दवाइयों का भी आपको बहुत सारा उदाहरण आपको दूंगा। तो कजली का प्रयोग इसमें भी किया गया है, कजली द्वारा इसको भी निर्माण किया गया है, तो ये ज्यादा असरदार है, क्योंकि मैंने बताया कि कजली का प्रयोग अगर किसी बटी या किसी दवा में कर देते हैं तो ये अपने असर को बढ़ा देती है और जो नुकसान करने वाली जो क्षमता है किन्हीं औषधि को उनको कम कर देती है, तो हम किसी दूसरे पेशेंट को भी जो वो दवा नहीं देनी है वो दे सकते हैं। तो कजली की परिभाषा मैंने बता दी, कजली का साइंटिफिक जो साइंस में क्या बोलेंगे उसको ये भी बता दिया कि सल्फ्यूरेट ऑफ मरकरी इसको
इंग्लिश नाम में बोलेंगे सल्फ्यूरेट ऑफ मरकरी या कजली आप इसको बोल सकते हो। कजली कैसे बनाएंगे ये मैंने बताया, दूसरी कल भी बताया था, इसके पहले जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि जो भी सिलेबस आपको बताया जा रहा है वो बोर्ड का जो सिलेबस है, जो आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारी क्लासेज आपकी चल रही हैं। तो जिनके पास सिलेबस नहीं है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे आपको फाइनल ईयर का डी फार्मा फाइनल ईयर आयुर्वेद का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से अपना सिलेबस ले सकते हो। या फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको सिलेबस नहीं पता है वो भी सिलेबस वहां से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं जिस क्लास का है वही क्लास के पढ़ेंगे, जो आयुर्वेद से जो क्लास कर रहे हैं जीएनएम के हैं या डी फार्मा के हैं, जो सबके सब्जेक्ट सिलेबस के कुछ टॉपिक सेम है, आपको जानकारी होनी चाहिए तो आप क्लास अटेंड कर सकते हो। ये नहीं कि स्पेशली बस डी फार्मा फाइनल ईयर का बना दिया वीडियो या डी फार्मा फाइनल ईयर की क्लास मैंने ले ली तो बस डी फार्मा फाइनल ईयर के क्लास ही बच्चे अटेंड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें बताई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए जो भी आयुर्वेद से क्लास अटेंड कर रहा है। और एलोपैथी की जब क्लास चलती है तो आयुर्वेद वाले और एलोपैथी वाले जो भी स्टूडेंट है उस क्लास को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया आपको कजली, अब कजली के बाद बताऊंगा रसपंक। रसपंक क्या है इसका भी रिलेशन डायरेक्टली कजली से है, कजली भूलना नहीं है आपको, जब भी कजली आए तो आप बताइए। भारत जिसको पारा बोलते हैं उसको गंधक के साथ मिला करके या उसके पहले सुवर्ण आदि धातुओं के साथ सूक्ष्म चूर्ण बनाएंगे और तब तक खरल में कूटेंगे जब तक गंधक का चूर्ण पूरी तरह से उसमें विलुप्त न हो जाए और एक काला पदार्थ प्राप्त हो जाए, उसी को हम कजली कहेंगे। और अलग अलग औषधि द्रव्यों के साथ बना करके और उससे बटी घोट करके और दवा के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है, औषधि की क्षमता बढ़ जाती है, उसी को हम कजली कहते हैं। अब रसपंक अगर आप कजली में, रसपंक किसे कहते हैं, कजली में लिख भी देता हूं मैं, कजली में द्रव पदार्थ, कजली में द्रव पदार्थ मिलाकर घोटने से जो पदार्थ प्राप्त होता है वही रसपंक है। रसपंक क्या है, कजली में द्रव पदार्थ मिलाकर घोटने से, घोटने का मतलब क्या, जैसे आटा गूथा जाता है अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है तब तक मिक्स करना है, जब तक पूरा पदार्थ एक साथ मिला हुआ प्रतीत न हो तब तक मिक्स करना है, तो उसको हम रसपंक बोलेंगे। जब द्रव कजली के साथ मिला करके और उसको घोटा जाता है तो उसको हम रसपंक कहते हैं। रसपंक का भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर है पिष्टी, पिष्टी भी मैं बता दूं ये आयुर्वेद के टर्म है, टॉपिक है, जो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, तो इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली कोई भी इंग्लिश का एक सिंपल वर्ड बता दिया तो आप आसानी से कहीं भी आप गूगल कर लोगे आसानी से मिल जाएगा, आप इसको जान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जो बातें हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं आपको किताबों से बताए जाते हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है वो आपके साथ शेयर करता हूं, तो ये सारी चीजें आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए आप इसको सीरियसली लीजिए और इसको देखिए और समझिए। तो पिष्टी आपको बता दूं क्या लेना है आपको, दो माशा गंधक। जब आपने फर्स्ट ईयर की क्लास अटेंड की होगी तो आपको पैमाने बताए गए होंगे कि किस पैमाने पे दवाइयों को तौला जाता है, कितनी मात्रा को क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम जो है मॉडर्न पैमाना है, तो कभी कभी जब आप दवाइयां पढ़ते हो तो जो हमारा ट्रेडिशनली है आयुर्वेद में जिसको प्रयोग किया गया उसी के जो नाम है उसी को बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप एलोपैथ से कर रहे हो तो आपको मिलीग्राम एमजी बस यही चीजें जानने को मिलती है, इसमें भी एमजी है, लेकिन जब आयुर्वेद में जब आप पढ़ोगे किताबें पढ़ेंगे या क्लास अटेंड करेंगे तो आपको जो किताबों में जो नाम दिए गए वही बताया जाएगा। मासा एक पैमाना है, उसी से दवा की मात्रा को मापा जाता है, औषधि की मात्रा को मापा जाता है, तो बहुत सारे पैमाने हैं। अगर आप कहेंगे, अगर जरूरत पड़ती है आपको नहीं समझ में आता तो आप अगर कहेंगे तो मैं पैमानों के ऊपर भी एक क्लास लूंगा जिसमें अलग अलग दवाइयों को लिक्विड है या सॉलिड है या गैस, लिक्विड सॉलिड है उसको किस तरह से हम दवाइयों को तौलते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दो मासा गंधक लेना है और 12 मासा आपको क्या लेना है, दो मासा गंधक और 12 मासा शुद्ध पारा लेना है, शुद्ध पारा जिसको मरकरी बोलते हैं बता चुका हूं मैं, दो मासा गंधक 12 मासा
शुद्ध पारा लेना है, दो मासा गंधक, 12 मासा शुद्ध पारा, और इसको धूप में ले जाकर के खरल में तब तक मर्दन करना है, तब तक कूटना है जब तक इसमें से काला पदार्थ बाहर न आ जाए। जब काला पदार्थ बाहर आ जाएगा तो उसी को हम पिष्टी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पिष्टी कहते हैं। आप एक बार टच करके देख लेंगे इसको कि जब यह मुलायम दिखे, चिकना दिखने लगे और इसमें काला पदार्थ निकल आए तो आप इसको पिष्टी बोलोगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म था, सबसे पहला मैंने बताया आपको कजली, कजली निर्माण, कजली की परिभाषा कैसे बनाएंगे, फिर रस पंख और पिष्टी, तीन चीजें मैंने बताया, कजली, रस पंख और पिष्टी। अब कजली का प्रयोग करने से फायदे क्या होते हैं, अगर आप किसी आयुर्वेदिक औषधि में कजली का प्रयोग करते हो तो उसे क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा इसका यह है, यह पुष्टिदायक है। पुष्टिदायक मतलब कि न्यूट्रिशन ये ज्यादा इसमें होता है, ये बढ़ाता है हमारे शरीर को, हष्टपुष्ट बनाता है। उसके बाद से वीर्यवर्धक है, वीर्य जो है वीर्य की उत्पत्ति ये करता है, वीर्य को बढ़ाता है। अनुपान के साथ अगर आप इसे तैयार करते हो तो इसमें विभिन्न प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने की, हरण करने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है। तो आज का जो टॉपिक था, हमेशा की तरह आज का भी टॉपिक इम्पोर्टेंट था, आप इस पे एक प्रॉपर नोट्स तैयार करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं आप सभी के जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर सकूं, और आपके लिए जो भी रेगुलर जो भी टॉपिक्स है जो आप कहते हो उसके अनुसार जो भी क्लासेस ले रहा हूं वो लेता रहूं।